मशहूर दोस्तों बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड DVR की। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि यार कट तो गए हैं शेयर्स, बट डिपॉजिट कब तक होंगे। 1 सितंबर लास्ट डेट था, उसके बाद जिन लोगों ने भी बेच के दोबारा से नहीं खरीदा था, उन लोगों के डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स जो थे वो अपने आप ही अनडिपॉजिटेड हो गए, वहां से गायब हो गए। अभी तो वो जो सस्पेंडेड स्टॉक्स लिस्ट होती है वहां पर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कब तक खाते में टाटा मोटर्स के जो स्टॉक्स हैं आपके वो आते हुए देखने को मिलेंगे, खबरें क्या है, अपडेट क्या है? और एक और चीज है कि क्या टाटा मोटर्स के स्टॉक आपको मिलेंगे भी या फिर पैसे वापस होंगे, तो उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। और ना आए तो उसकी भी एक न्यूज है, उसकी भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा जो प्रकरण हुआ था वो टाटा मोटर्स एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो इस समय सबसे अंडरवैल्यूड कंपनीज में से एक है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है टाटा मोटर्स में, 12,000 करोड़ रुपए के करीब का यहाँ पर फंड इन्फ्यूज हुआ है इस बीते 2 से 3 महीनों में म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो अच्छी कंपनी है और अच्छे प्राइस पर अगर मिल जाती है तो यहाँ से टाटा मोटर DVR में जिन लोगों का जितना पैसा बना है वो और भी मल्टीफोल्ड हो सकता है अगर वो स्टे करेंगे तो। बट वो स्टे तभी करेंगे जब स्टॉक उनके खाते में डिपॉजिटेड होगा। खबरें बहुत सारी हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात उसी की करते हैं जिसके लिए आप वीडियो पर आए हैं। तो टाटा मोटर का जो अलॉटमेंट ट्रस्टी है वो एक्सिस सिक्योरिटीज को रखा गया था यहाँ पे, और एक्सिस सिक्योरिटीज की अगर आप बात करो लगभग 35 करोड़ स्टॉक्स यहाँ पर हैं जो रिटेल को डिपॉजिट करने हैं। बहुत सारे लोगों ने बेच करके अपने आप ही बाय कर लिया था, बट अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत, जैसे मैंने भी सेल नहीं करा था और मैंने अपना स्टॉक खाते में ही छोड़ दिया था, तो वो 1 सितंबर के बाद गायब हो गए। और उसके बाद मुझे पता था कि कब तक आ जाएंगे, तो आई वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हुए कि कब तक आ जाएंगे शेयर्स, तो आज उसकी ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी आप देखेंगे तो लगभग 35 करोड़ स्टॉक्स हैं, जो 35 करोड़ स्टॉक्स है वो एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज को दिया गया है यहाँ पे, और जो हमारे स्टॉक यानी कि जो DVR के स्टॉक्स रहे हैं उनको भी उनके पास ही भेजा गया है, वो ट्रस्टी बनाए गए हैं इस चीज के 10:7 में। यानी कि आपके 10 DVR स्टॉक्स के बदले में 7 आपको टाटा मोटर्स के स्टॉक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि इनफ है। अगर आप प्राइस क्वांटिटी भी कंपेयर करें, पिछले दिनों तो 1100 रुपए था टाटा मोटर्स का एक स्टॉक, तो वो प्राइस काफी अच्छा था, बट वहां से गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाता है यहाँ पे। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से भी आपको 10 के बदले में 7 स्टॉक्स मिलते हैं तो वो एक अच्छी कंडीशन मानी जाएगी, क्योंकि स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्म करने ही वाला है। अब बात कहाँ पर थी कि सितंबर में, तो ये 1 सितंबर को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था स्टॉक आपका। 3 लेग में ये काम होने वाला है। पहला ये कि T+15 यहाँ पर फॉलो होने वाला है, यानी कि जो यूजुअल होता है हमारा T+1, यानी कि अगर आज आपने शेयर खरीदे तो आपको 1 दिन बाद आपके खाते में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर दूसरे दिन वो पूरी तरह से आपके यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस केस में क्या था कि इस केस में जब 1 सितंबर को आपका सस्पेंड हुआ स्टॉक आपका, तो वहां से T+15 लगेगा सितंबर 16 या सितंबर 15, अब तो सितंबर 16 सितंबर 17 मान के चलिए, क्योंकि सितंबर 16 को भी अगर आप देखेंगे तो ईद उल मिलाद है, तो ईद की छुट्टी उस दिन हो सकती है, सेटलमेंट डे भी रहेगा उस दिन में, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम उस दिन भी हो सकती है। बट उम्मीद यही है कि T+15 भी अगर T+17 भी अगर ये फॉलो करते हैं तो वहां से भी 17 सितंबर 18 सितंबर तक आपके खाते में जो है वो स्टॉक्स आ जाने चाहिए। कुछ और भी खबरें हैं उनकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे, तो आपको वेट करना चाहिए थोड़ा सा। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो द ट्रस्ट विल पे द TDS बाय सेलिंग ऑर्डिनरी शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स इन T+15 डेज पोस्ट सितंबर 1। सितंबर 1 के बाद जो जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं, जो जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं हमारे, जो DVR के वेरिएबल शेयर्स हैं हमारे, वो सभी को बेचा जाएगा, और उस पर जो TDS लगेगा उसको कंपनी ही पे करेगी, वी डोंट नॉट हैव टू पे दैट मार्जिन, ठीक है? तो वो एक अच्छी खबर है आपके लिए। दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे तो TML सिक्योरिटी ट्रस्ट विल ऑल्सो पे STCG, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है हमारा, वो भी कंपनी ही पे करेगी। जो LTCG है वो हमें पे करना पड़ेगा, बट STCG जो है वो कंपनी ही पे करेगी, जो दो बड़ा फायदा यहाँ पर हमें होने वाला है। T+15 यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है टू सेटल दिस ऑल सिनेरियो। रीजन क्या है कि 35 करोड़ स्टॉक्स रहे हैं आपके, और जो हमारी तरफ से गए हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, तो ऐसे में इनको एलोकेट करना, एक्सिस ट्रस्टी सिक्योरिटीज को यहाँ पर दिया गया है, सर्विसेज को यहाँ पर दिया गया है सर, और ये एक इंडिपेंडेंट ट्रस्टी है, तो यही डिसाइड करेंगे कि इसको स्टॉक्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है कि उनको पैसे वापस आए। अगर आपके खाते में पैसे स्टॉक्स नहीं आए हैं, पैसे आ रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी कंडीशन होगी। बट क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 15 दिन हो गए हैं, बहुत सारे लोग परेशान थे इसमें कि क्या हो रहा है, ना तो पैसे आ रहे हैं ना तो स्टॉक्स आ रहे हैं, तो उनके लिए ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, दो तीन चीजें और जान लीजिए यहीं पर ही।
कि अगर स्टॉक्स आते हैं आपके खाते में तो उनको रखने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ दिन अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर कंडीशन में रहेंगे स्टॉक्स आपके। पहली चीज ये है कि जो ऑर्डिनरी शेयर है T+15 फॉलो कर रहा है, तो 17 सितंबर तक आप मान के चलिए कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको 17 सितंबर को आ जाता है और 18 सितंबर को आप बेच देते हैं, तो जो LTCG होगा यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा, वो आपको ही पे करना पड़ेगा। इतने दिनों में जो STCG हमारा हुआ है यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो हुआ है वो कंपनी पे करेगी, जो TDS है वो कंपनी पे करेगी। बट एक बार आपके खाते में शेयर्स आ गए सितंबर 16 सितंबर 18 के करीब में, तो वो पैसा आपको पे करना पड़ेगा। कुछ बड़ी खबरों की ओर भी रुख कर लेते हैं। देखिए, अगर टाटा मोटर्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपके खाते में स्टॉक्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा कंडीशन आपके लिए बेहतर होने वाली है। निकलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रीजन यही है कि म्यूचुअल फंड्स ने टाटा मोटर्स में करेक्शन के बाद, अगस्त में काफी करेक्शन आया, सेल्स भी डाउन रही थी, आपने देखा ही था, ऑटो तो सेल्स काफी ज्यादा डाउन है। टाटा मोटर्स वॉज द बिगेस्ट लूजर इन दिस मंथ, तो वो एक बड़ी कंडीशन थी। अब यहां से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल फंड है 12,000 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने अगस्त में उठाया है। सितंबर में एक बड़ी रैली की उम्मीद है, एक बड़ा करेक्शन जो था वो भी आ चुका है। पिछले दिनों अगर आपने 2 दिनों में देखा हो तो टाटा मोटर्स बुरी तरह से गिरा था, तो वहां से अब मुझे उम्मीद यही है कि स्टॉक यहां से ऊपर जा सकता है और अच्छी खासी तेजी के साथ स्टॉक जाएगा। तो अच्छे समय पर आपको मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि किसी खराब समय मिल रहा है। अगर 1100 मिलता मे बी यू वुड हैव सोल्ड दैट स्टॉक। तो अभी के लिए अगर आप बात करें तो ये एक अच्छा समय है, 990-992 के करीब में आपको स्टॉक अलॉट होगा और ये प्राइस भी काफी अच्छा है। जिस दिन मार्केट खुलेगा होपफुली उस दिन आपको ये स्टॉक्स मिल जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यूज, बट फिर भी 1-2 दिनों का अगर वेट होता भी है तो प्राइस इज ऑलरेडी वेरी गुड, करेक्शन मोड में है। आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसा इस न्यूज में लिखा भी है, 37 म्यूचुअल फंड ने दैट हैव इन्वेस्टेड इन टाटा मोटर्स, 32 ने इंक्रीज किया है होल्डिंग, इनके पास ऑलरेडी था, 5 ने डायल्यूट पार्ट ऑफ देयर स्टॉक, 5 ने डायल्यूट किया है थोड़ा बहुत। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 12,000 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो कंपनी में आया है। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लेड बायर जो रहे हैं, हाईएस्ट परचेज किया है इन्होंने 4,000 करोड़ के करीब का। SBI म्यूचुअल फंड की बात की जाए, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की बात की जाए, तो इन्होंने 3,000 करोड़ के आसपास का माल खरीदा है और 1,000 करोड़ के आसपास का माल इन्वेस्को ने खरीदा है। वहीं पर कोटेक की बात करें, UTI की बात करें, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की बात करें, HDFC म्यूचुअल फंड की बात करें, तो इन्होंने 780 करोड़ से लेकर के 432 करोड़ तक के बीच में अपना माल बाय करा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बहुत ही गजब की खबर है। मुझे उम्मीद है कि जब भी स्टॉक्स आपके खाते में आते हैं तो ये इस खबर के बाद वहां से स्टॉक में रैली अच्छी खासी स्टार्ट होगी। बट वो चीज आपको नहीं भूलना है कि अगर आप बेचते हैं उसको तो जो LTCG होगा वो आपको ही पे करना पड़ेगा, ना कि कंपनी पे करेगी। जो STCG है, जो हमारा इतने दिनों में कैपिटल गेन्स टैक्स हुआ है, वो कंपनी पे करेगी, ऑब्वियस बात है, बट TDS भी। बट यहां पर अगर आपको मिल जाता है तो लंबे समय के लिए इस न्यूज अकॉर्डिंग तो आपको रखने की राय यहाँ पर रहेगी ही। द कंपनी के ग्लोबल चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर जो है PB बालाजी, इंडिकेटेड दैट ग्लोबल डिमांड इज लाइकली टू रिमेन म्यूटेड बट एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म ओवर डोमेस्टिक ग्रोथ सपोर्टेड बाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अ गुड मॉनसून, फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन, न्यू प्रोडक्ट एंड फेस्टिव डिमांड। 3 महीने फेस्टिवल्स वगैरह रहेंगे, जनवरी तक ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, तो वहां पर ऑटो की डिमांड काफी तेजी से बढ़ती है। इनके पास तो प्रोडक्ट प्रोफाइल भी काफी बढ़ाया है टाटा मोटर्स ने, तो यहां से उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट में इस स्टॉक में कम से कम अच्छे टारगेट्स तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो 1100 रुपए तक के टारगेट भी इस स्टॉक में आए हैं, 1120 रुपए तक के टारगेट भी स्टॉक ने देखे हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि अगर खाते में एक बार स्टॉक आते हैं तो उसको होल्ड करने की राय मेरी तरफ से तो नहीं, क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट यस, यहाँ पर खबर देखेंगे और स्टॉक की ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट देखेंगे तो वहां से आपको रखने की राय रहेगी। बाकी सितंबर 16 के दिन अगर स्टॉक्स, सितंबर 16-17 के दिन अगर स्टॉक्स नहीं आते हैं तो फिर से बात की जाएगी। रजिस्ट्रार के पास मैं खुद कॉल करने वाला हूँ यहाँ पे कि कब तक स्टॉक्स आ सकते हैं। द मेन पार्टी दैट इज दैट कैन आंसर द क्वेरी इज द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार के पास आप डायरेक्टली भी फोन कर सकते हैं, आप चाहे तो टाटा मोटर्स की वेबसाइट पर भी जा करके या फिर गूगल सर्च भी कर लेंगे तो वहां से रजिस्ट्रार का नंबर मिल जाएगा आपको, आप उससे पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। बट अभी तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो यही कि T+15 डेज में आपको स्टॉक्स जो है वो आपके खाते में आ जाएंगे। बात बाजार की करें, देखिए बाजार भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा रहने वाला है, बात बाजार की कर लीजिए। अगर आप टाटा मोटर्स के लिए आए थे तो वीडियो यहीं तक थी। बात बाजार की करें तो बाजार के हालात काफी अच्छे हैं और फ्राइडे को भी ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। FII ने 7,000 करोड़ का माल खरीदा है एक दिन में, ठीक है, तो एक दिन में 7,000 करोड़ का माल अगर बाय किया जा रहा है। मिड कैप में अच्छी रैली है, मिड कैप इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि स्मॉल कैप और लगभग ब्लू चिप को यानी कि लार्ज कैप को आउट परफॉर्म करने वाला है बहुत बुरी तरह से। अगर आपने अच्छे मिड कैप ले रखे हैं तो आपके आने वाले 3 से 4 महीने 5 महीने बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि मिड कैप आर द फेवरेट पिक ऑफ FIIs। तो इन्होंने बहुत तगड़ी तरीके से माल उठाया है, बहुत ज्यादा माल उठाया है, जहां पर FIIs ने 3 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली,
जनवरी से शुरुआत करके अब तक की है। वहीं पर अगर आप मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी एफआईआई की तरफ से आई है। तो ये एक अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो ऐड करने के साइन होगा, ना कि निकलने का। मार्केट सपोर्ट कर रहा है, बात टाटा मोटर्स की जैसे मैंने की, यहाँ पर भी होल्डिंग साइन है, ऐड करने का साइन आ रहा है। स्टॉक 3 महीने 4 महीने जो है वो अच्छे चलने वाले हैं। उम्मीद यही है कि 4 महीने में पोर्टफोलियो जो आपका अगर थोड़ा बहुत रेड में है भी तो अच्छा खासा ग्रीन में आएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट आप सभी बना पाएंगे। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, कैप की स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। कोई और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर जवाब देंगे। और बाकी अगर कोई और ज्यादा टाटा मोटर्स डीवीआर से संबंधित कुछ और बातें हो तो आप रजिस्ट्रार के पास डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू अगेन।